मुख झूठा हो तो झूठा मनुष्य असत्य वचन ही व्यक्त करता है, फिर वह किस तरह पवित्र पावन हो सकता है। नाम भक्ति के जल बिना आत्मा स्वच्छ नहीं होती, सत्य नाम द्वारा ही सत्य प्रभु प्राप्त होता है। हे भोली जीव स्त्री, गुण के बिना सुख कहाँ है, प्रियतम प्राणपति उनके साथ आनंद एवं रस के साथ रमण करता है। जो सत्य नाम की प्रीति के भीतर शांति सुख अनुभव करते हैं, रहाऊ यदि प्राणपति परदेश चला जाए तो नारी जीवात्मा वियोग में ऐसे पीड़ित अनुभव करती है जिस तरह थोड़े से जल में मछली तड़पती है। जब प्राणपति को अच्छा लगता है तो वह स्वयं ही अपनी कृपा दृष्टि करता है और पत्नी को सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। अपनी सखियों एवं सहेलियों के साथ बैठकर हे जीवात्मा, तू अपने पति परमेश्वर का यशोगान कर, उसके दर्शन करने से तेरा शरीर सुंदर तथा मन मोहित हो गया है और तू उसकी प्रीति के साथ रंग गई है। सुंदर पत्नी जिसने काम के साथ श्रृंगार किया है, वह गुणवंती होकर अपने पति की भरपूर सेवा करती है। बुराइयों तथा विषय विकारों में लिप्त नारी गुणहीन होने के कारण पति के किसी भी काम नहीं आती। इस जीवात्मा को ना तो बाबुल के घर इह लोक में सुख मिलता है और ना ही ससुराल परलोक में, और वह बुराइयों तथा पापों के अंदर व्यर्थ ही तड़पती रहती है। उसका आवागमन जन्म मरण बड़ा दुर्लभ है, जिसे उसके पति ने प्रेम से वंचित करके भुला दिया है। प्राणपति परमेश्वर की अति सुंदर नारी सुहागिन है, किंतु विषय विकारों के कारण तो वक्ता के लिए जीवन का कोई भी रस नहीं। जो नारी व्यर्थ ही विवाद पूर्ण बकवाद करती है, वह पति के किसी भी काम योग्य नहीं। संसारिक रसों के कारण वह त्याग दी गई है और उसको अपने स्वामी के द्वार एवं मंदिर में आश्रय नहीं मिलता। पंडित धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, परंतु वे यथार्थ ज्ञान का मनन नहीं करते। वे दूसरों को उपदेश देते रहते हैं, किंतु स्वयं ज्ञान की उपलब्धि के बिना संसार से चले जाते हैं। उन्होंने उपदेश देने को धन ऐठने का व्यापार बना लिया है। उनकी झूठी कथनी से गुमराह होकर सारा संसार भटक रहा है। सत्य नाम की कमाई करना ही श्रेष्ठ जीवन आचरण है। कितने ही पंडित तथा ज्योतिषी वेदों को सोचते विचारते हैं, वे विवादों एवं निरर्थक झगड़ों की प्रशंसा करते हैं और वाद विवाद में फंसे जन्म मरण के चक्कर में आवागमन करते रहते हैं, किंतु गुरु के बिना उनकी अपने कर्मों से मुक्ति नहीं होनी। चाहे वे जितने भी कथन श्रवण करें, उपदेश दें अथवा व्याख्या करते रहें, गुरु की अपार कृपा के बिना इनकी मुक्ति नहीं हो सकती। समस्त जीव स्त्रियों को गुणवान कहा जाता है, परंतु मुझ में कोई भी गुण विद्यमान नहीं। यदि प्रभु मुझे भी पसंद करने लगे तो मैं भी प्रभु की सुंदर पत्नी बन सकती हूँ। हे नानक, जीव स्त्री का प्रभु पति से मिलन नाम द्वारा ही होता है। प्रभु से मिलन उपरांत फिर उसका पति से बिछोड़ा कभी नहीं होता। श्री राग महला पहला, जप तप संयम साधिए, तीर्थ कीचे वास, पुन्न दान चंगियाइया, बिन साचे किया तास, जेहा राधे तेहा लूणे, बिन गुण जन्म विनाश, मुंधे गुण दासी सुख होई,
अवगण त्याग समाइये, गुरमत पूरा सोई रहाऊ, बिन राशि व्यापारियां तके कूड़ा चार, मूल न बुझे आपना बसत रही घर बार, बिन बखर दुख अगला कूड़ मुट्ठी कुड़ियार, लाहा अहिनिस नौतना परखे रतन विचार, वसत लहे घर आपने चले कारज सार, बणजार या स बणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार, संता संगत पाइये जय मेले मेलन हार, मिलिया होई न बिछुड़े जिस अंतर ज्योत अपार, सच्चे आसन सच रहे सच्चे प्रेम प्यार, जिन्नी आप पछाणिया घर मह महल सुधाई, सच्चे सेती रतिया सच्चो पल्ले पाई, त्रिभवन सो प्रभ जानिए सच्चो साचे नाई, साधन खरी सुहावणी जिन पीर जाता संग, महली महल बुलाइए सो पीर रावे रंग, सच सुहागण सा भली पीर मोही गुण संग, भूली भूली थल चढ़ डूंगर जा, बन मह भूली जय फिरा बिन गुर बूंझ न पा, ना वह भूली जय फिरा फिर आव जा, पूछह जाई पधाऊआ चले चाकर होई, राजन जानह आपना दर घर ठाक न होई, नानक एको रब रहया दूजा अंबर ना कोई, भगवान जी का भजन किए बिना मनुष्य को जप तपस्या एवं संयम की साधना करने, तीर्थ स्थानों में जाकर निवास करने, पुण्य दान इत्यादि अन्य शुभ कर्म करने का कोई लाभ नहीं होता, प्राणी जैसा बोता है वैसा ही फल काटता है, गुण ग्रहण किए बिना मानव जीवन व्यर्थ ही व्यतीत हो जाता है, हे भोली जीव स्त्री दासी वाले गुण पैदा करने से सुख उपलब्ध होता है, अब गुणों का त्याग करके गुण की मति द्वारा पूर्ण प्रभु में समाया जाता है, रहाऊ जिस व्यापारी के पास गुणों की पूंजी विद्यमान नहीं, वह चारों दिशाओं में व्यर्थ भटकता रहता है, वह मूल प्रभु का नाम बोध नहीं करता, नाम रूपी वस्तु उसके दशम द्वार रूपी घर में विद्यमान है, इस नाम वस्तु के बिना वह बहुत दुखी होता है, झूठी माया ने झूठ का व्यापार करने वाले को ठग लिया है, जो नाम रतन का ध्यान से सिमरण जांच पड़ताल करता है उसे नित्य अधिकाधिक लाभ मिलता है, वह नाम रूपी वस्तु को अपने हृदय ग्रह में ही पा लेता है और अपने कार्य को सवार गमन करता है, अर्थात जीवन में शुभ कर्म करके अपने जीवन को सफल करके परमात्मा जी में वलीन हो जाता है, ईश्वर के व्यापारियों भक्तों के साथ व्यापार भक्ति करो और अपने गुरु से मिलकर परमेश्वर का चिंतन करो, साधु संगति द्वारा ही प्रभु को पाया जाता है, जब प्रभु से मिलन करवाने वाले गुरु जी अपनी दया से प्राणी को परमात्मा जी से मिलाते हैं, जिसकी आत्मा के भीतर प्रभु का अनंत प्रकाश प्रज्वलित है वह उसे मिल जाता है और पुनः जुदा नहीं होता, अर्थात जीवन मृत्यु के चक्कर से छूटकर वह मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसे पुरुष का निवास सत्य है, जो सत्य के भीतर निवास करता है और सत्य स्वरूप परमेश्वर के प्रेम में सदैव विचरता है, जीवात्मा का स्वरूप ज्योति है, जिसने अपने इस स्वरूप को पहचान लिया है वह अपने हृदय घर के श्रेष्ठ स्थान में ही स्वामी के मंदिर को पा लेते हैं, सत्य नाम के रंग में लिबलीन होने से सत्य प्रभु प्राप्त हो जाता है, सत्य प्रभु के नाम द्वारा
वह उसे पहचान लेते हैं जो पाताल धरती एवं आकाश तीनों लोकों में रहता है। वह जीव स्त्री बहुत ही सुंदर है जिसने अपने प्रियतम प्रभु को समझ लिया है।